सात आठ आदमी तो मतलब सांसें चल रही थी, जिंदा थे, उनको किसी तरह जब एम्बुलेंस नहीं मिली ना पुलिस की सहायता मिली तो हम लोग मोटरसाइकिल से लाद लाद के भीतरगांव, मोटरसाइकिल से उन लोगों को निकाल के हॉस्पिटल ले, हाँ हॉस्पिटल भीतरगांव सीएससी ले गए। कोई डॉक्टर नहीं, चपरासी आला लगा लगा रहा था, बोला यार खत्म हो गए और सांसें चल रही थी एक लड़की और कितने टाइम सांस चल रही थी उसको डेड घोषित कर दिया। जब हम लोग विरोध किए तो इसको ऑक्सीजन का शायद मास्क लगा दिया, उसमें ऑक्सीजन नहीं था। जब वो जिंदा थे तब पुलिस प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग कोई मदद नहीं कर रहा था, जब वो खत्म हो गए तो उसको चुरा के बच्चा छीन के फेंकने की कोशिश की गई, हमारे साथ लगता जिप्टी हुई। कानपुर की घटना ने सूबे से लेकर देश तक को हिलाकर रख दिया है। क्या मुख्यमंत्री और क्या प्रधानमंत्री, जिन्हें घटना के बारे में पता लगा वो दुखी हो गए। शराबी ड्राइवर और बेहोश प्रशासन की गलती ने 27 लोगों की जान ले ली। मामले में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने दुख जताते हुए मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने एक बार फिर यूपी प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पुलिस, एम्बुलेंस और अस्पताल के स्टेटस पर लोगों ने कई तरह की बातें कही हैं। वहां मौजूद एक शख्स का आरोप है कि हादसे के बाद समय से एम्बुलेंस नहीं मिला और किसी तरह वे जख्मी लोगों को बाइक से अस्पताल लेकर गए, लेकिन वहां भी ना तो डॉक्टर मिला और ना ही समय से इलाज। नॉन मेडिकल स्टाफ ने लोगों का इलाज शुरू किया और जो जिंदा थे उन्हें भी मृत घोषित करने लगे। शख्स का तो ये तक आरोप है कि मृतकों के नंबर कम करने के लिए पुलिस ने भी डेड बॉडी के साथ छीना झपटी शुरू कर दी थी। देखते हैं कि किस तरह का माहौल है यहाँ पर। मैं सियाराम से बात करूंगा जो इस परिवार के बुजुर्ग भी हैं। सियाराम, आपने कितने लोगों को छह शव में यहाँ पर देख रहा हूँ, कौन कौन आपके परिवार में अब नहीं रहा? हमारे सब लड़का नाती है, पुता हुआ है, मेरिया है, नाते नहीं है। आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, क्यों आखिर ये एक्सीडेंट हुआ, आपको क्या लगता है हादसा क्यों हुआ? जिम्मेदार का इस बात पूछ रहे, बताया गया वहाँ गड्ढे थे और अरे इतना पानी भरो हुआ है, इतना बुआ था वो मैं सब घुस गए हैं, टाली के तरे हो गए हैं, पलती अचारी तो धर रही था, सब फरफराए चले गए। मरम्मत नहीं होती थी उस जगह की? अब मरमर सड़क के तरे खनती नहीं लगती यहाँ, माटी उठाई जाती जो वही गड्ढा है। बताया गया कि ड्राइवर ने भी शराब पी थी? शराब तो वो खूब पी रहा है, शराब न पे हुआ तो टल ही न पलटती थी, इतना रोड चाह कल सारते आप आए वही हो वैसे का। आप किस तरह की मदद एक्सपेक्ट करते हैं, आप किस तरह की मदद चाहते हैं सरकार से? अब जम कर दी, आपकी आंखों में आंसू है, क्या बताऊं भाई, क्या बताऊं, सरकार देगा, अरे सरकार देगा तो मतलब भाई जब पूरा घर से कैसे समेटे तो बैठे हैं वो लोग। आप सियाराम का अगर चेहरा राजीव देखेंगे केवल तो शायद आपको अंदाजा लगेगा कि इस परिवार पर कहें या इस पूरे गांव पर कहें जो कोहराम टूट पड़ा है। ये केवल एक परिवार की कहानी नहीं है जहां आपको छह शव सामने मुझे अपने नजर आ रहे हैं, ऐसे तमाम परिवार हैं जहां ठीक ऐसे ही दृश्य देखने को मिल रहे हैं, रोते बिलखते लोग हैं, मदद का इंतजार कर रहे हैं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।